हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आइडियल मामा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन यानी कि बच्चों का टीकाकरण क्या है और इससे क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में वैक्सीनेशन से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन वैक्सीनेशन या टीकाकरण से रिलेटेड हमारे माइंड में आता है वो ये है, वैक्सीनेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें कॉमन लैंग्वेज में, अगर मैं आपको बताऊं तो वैक्सीनेशन बेसिकली एक इंजेक्शन लगाने की एक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं और उस इंजेक्शन के थ्रू बच्चे के जो बॉडी है उसमें कोई भी डिजीज़ से लड़ने की जो पावर है, डिजीज़ से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, बेसिक लैंग्वेज में हम कहें तो इसे हम बच्चे को डिजीज़ से बचाने के लिए, कोई भी फ्यूचर में होने वाली बीमारी से बचाने के लिए हम बच्चे को वैक्सीनेशन करवाते हैं। अब अगर हम वैक्सीनेशन का साइंटिफिकली वैक्सीनेशन देखें तो वैक्सीनेशन जो है साइंटिफिकली, ये इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बच्चे की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डालते हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो पर्टिकुलर उस टाइप के पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के अटैक से हमारे बच्चे की बॉडी को प्रिवेंट करती है या बचाती है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली वैक्सीनेशन है। अब अगली चीज़ आती है कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। अब इस चीज़ से आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि क्या है, वैक्सीनेशन के थ्रू हमारा बच्चा फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बच रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस को पहले से हम क्या करें, वैक्सीनेशन के थ्रू उसे प्रिवेंट कर ले हमारे बच्चे की बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था इंट्रोडक्शन वैक्सीनेशन के बारे में। अब अगर हम देखें तो वैक्सीन्स, दो तरीके की वैक्सीन्स जो हैं वो होती हैं, पहली है इसेंशियल वैक्सीन्स, दूसरी है ऑप्शनल वैक्सीन्स। अब इसेंशियल वैक्सीन्स यानी कि वो वैक्सीन्स जो बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे को लगाना, कोई भी बच्चा है उसको इसेंशियल वैक्सीन्स, कुछ ऐसी वैक्सीन्स गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, कैटेगराइज कर दिया है कि ये वैक्सीन्स ज़रूरी है हमारे बच्चे को लगाना, क्योंकि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इन्हें इसेंशियल वैक्सीन्स में रखा गया है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी बीमारियां जो होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वैक्सीन्स के थ्रू इंडिया में बहुत हद तक ये बीमारियाँ आप कंट्रोल कर दी जा चुकी हैं, तो इसलिए ये आती हैं इसेंशियल वैक्सीन्स में। इसेंशियल वैक्सीन्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट ने, वो इतनी ज़रूरी है बच्चे के लिए कि गवर्नमेंट ने उसे, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन्स लगवाते हैं तो वो कुछ इसेंशियल वैक्सीन्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री लगती हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप जाके लगा सकते हैं वैक्सीन्स, एसेंशियल वैक्सीन्स हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। दूसरी तरीके की वैक्सीन्स आती है ऑप्शनल वैक्सीन्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट आप चाहें तो उन्हें लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड, जो ऑप्शनल वैक्सीन्स हैं वो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो होने के चांसेस होते हैं बट बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो ऑप्शनल वैक्सीन्स भी, अगर मेरा ये सजेशन है कि अगर आप थोड़े भी आपके फाइनेंशियली आप ठीक हैं तो आपके पास है इतना बजट, तो आप अपने बच्चे को ऑप्शनल वैक्सीन्स भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि फ्यूचर में अगर उसे वो बीमारी होती है उसमें आपका जितना एक्सपेंस होगा उससे अच्छा ये है कि आप उसे पहले ही प्रिवेंट कर लें बच्चे को बीमारियों से। ऑप्शनल वैक्सीन्स जो है वो गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट प्राइवेट में वो आपको पैसे देके आप स्पेसिफिक कॉस्ट के थ्रू वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वैक्सीन्स के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वैक्सीन्स को लेके, वो ये है वैक्सीनेशन कार्ड या वैक्सीनेशन बुक या फिर रिकॉर्ड बुक क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, जब भी हम हॉस्पिटल में हमारा बेबी बर्थ होता है या फिर हम पहली वैक्सीन लगाने, बच्चे को बर्थ के टाइम में ही कुछ तीन वैक्सीन से जो वो लग जाती हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हॉस्पिटल से हमें एक वैक्सीनेशन बुक या वैक्सीनेशन कार्ड या फिर उसे रिकॉर्ड बुक भी कहते हैं, वो वैक्सीनेशन कार्ड हमें दिया जाता है। मैं अपनी बेटी का दिखाऊँ आपको, तो ये वैक्सीनेशन कार्ड है जो मेरी बेटी को प्रोवाइड हुआ था। तो इसमें देखिए, ये पहले तो हम बात करते हैं ये है क्या, ये वैक्सीनेशन कार्ड है जिसके भी बेबी बर्थ हो चुका है वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये कार्ड उन्हें भी मिला होगा। उसमें, इसमें क्या है, इसमें आपकी 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शंस इसमें प्रोवाइडेड है, 5 कॉलम से, जिसमें पहले कॉलम में दी हुई है एज, बच्चे की क्या एज होनी चाहिए, दूसरे में दिया है कौन सा वैक्सीन या टीका उसे लगना है, तीसरे में दिया हुआ है ड्यू डेट, उस टीके किस दिन वो टीका लगना है,
चौथे में दिया हुआ है किस दिन हमने वो टीका लगवाया, और पांचवें में दिया हुआ है आपका उसमें रिमार्क का ऑप्शन है। तो होता क्या है, इसमें आपको दी हुई है देखिए कि जन्म के टाइम में कितने कौन कौन से टीके हैं जो लगने हैं, उसके 6 महीने, 10, ऐसे ही करके 16 वर्ष तक इसमें दिया हुआ है। और हो सकता है और भी ज़्यादा अपडेटेड कार्ड आ गया हो मार्केट पर, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा नॉर्मल कार्ड है और इस कार्ड में यहाँ पे दिया हुआ है किस टाइम पे आपके बच्चे को कौन सा टीका लगना जरूरी है। यहाँ दी हुई ड्यू डेट, मतलब जैसे मैंने पहला यहाँ पे 6 महीने वाला टीका 16/1/17 को लगाया है, तो अगला टीका मेरा 10 महीने वाला मुझे 16/2 को लगाना है। ये यस 16/2 को लगाना है। ये इस तरीके से क्या हुआ है, ये पूरा मेंशन किया हुआ है इसमें। तो इसके अलावा अब ये तो हमें है कि किस दिन हमें लगवाना है, फिर उसके बाद हो सकता है हमारा दिन आगे पीछे हो गया हो, तो किस दिन हमने एक्चुअली लगाया, ये यहाँ पे ये मेंशन है। और लास्ट में मेंशन होता है रिमार्क। रिमार्क किस लिए है, रिमार्क में जो डॉक्टर है, आप देख रहे होंगे कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं, कहीं कहीं कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो ये है कि आपने कौन सी ब्रांड का टीका आपने बच्चे को लगाया है, ये जो डॉक्टर है वो यहाँ पे लिख देते हैं या फिर स्टिकर स्टिक कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि क्या होता है कि इससे इस रिकॉर्ड बुक से ये फ़ायदा है, एक तो हमें रिमाइंड रहता है कौन सा टीका हमें कब लगाना है और कब हमने लगवाया, दूसरा ये रिमार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हो सकता है आज मैंने किसी और डॉक्टर से टीका लगवाया हो, कल मैं किसी और डॉक्टर के पास अगला टीका लगवाने जाऊँ, किसी और सिटी में मैं हूँ, किसी और कंट्री में हूँ, तो पहले वाले डॉक्टर को उस डॉक्टर को ये पता रहे कि पहले से कौन सा टीका लगा हुआ है, क्योंकि कई वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, मतलब क्या है उसमें हो सकता है कि 2 तरीके की वैक्सीन्स एक इंजेक्शन में हो, तो इस चीज़ के लिए ये लास्ट वाला कॉलम होता है। तो फ्रेंड्स ये जो रिकॉर्ड बुक है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो हमें रिमाइंड रहता है, दूसरा हमें क्या होता है पता है कौन सा टीका किस टाइम पे लगेगा और कौन सी ब्रांड का हमने लगाया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वैक्सीनेशन बुक हमारे बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है, जो मुझे कई लोगों ने, मतलब हम आपस में डिस्कस करते हैं तो ये भी क्वेश्चन एक आता है कि क्या वैक्सीनेशन जो है हम किसी भी टाइम पे करा सकते हैं, कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं, या फिर हमारा कोई वैक्सीन आज छूट गया है तो क्या हम उसे 6 महीने बाद लगा लें, क्या हम उसे 15 दिन में लगा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है फ्रेंड्स, नहीं, आप कोई भी वैक्सीन कभी भी नहीं लगा सकते, वो प्रॉपर जो आपके चार्ट में दिया हुआ है, जो आपके डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है आपको टाइम, वही आप उस टाइम पे लगाएंगे। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो लिखा होता है 2 से 3 साल की एज में आप लगा सकते हैं, तो उसमें आप फ्लक्चुएशन कर सकते हैं कि आप अभी 2.5 साल में आपने लगाया है तो अभी नहीं लगाया तो आप 1 महीने बाद लगा सकते हैं, बट इससे आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नॉर्मल टाइम में हो सकता है मुझे 14 की डेट डॉक्टर ने दी है, मैं 14 को नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं विद इन अ वीक और 15 दिन के अंदर लगाना बिल्कुल ओके है, तो 15 दिन के अंदर हमें वो वैक्सीन लगा लेना चाहिए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई वैक्सीनेशन रिमाइंडर टाइप की कोई चीज़ है, तो जी हाँ बिल्कुल, वैक्सीनेशन रिमाइंडर ऐप्स आजकल अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने बच्चे की डिटेल डालिए तो वो आपको अपने आप मैसेज करके या फिर किसी तरीके से वो आपको रिमाइंड करा देते हैं कि आपके वैक्सीनेशन का टाइम हो चुका है। अब लास्ट चीज़ आती है कि कौन कौन से टाइप के वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं या डॉक्टर्स के पास अवेलेबल हैं। तो इसकी बात करें तो अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप अगर डिस्कस करें डॉक्टर से तो डॉक्टर आपको बताता है कि 2 तरीके के बेसिकली वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पहले तो आते हैं पेन वाले या रेगुलर वैक्सीन्स, दूसरे हैं आपके पेनलेस वैक्सीन। अब क्या है ये दोनों वैक्सीन्स, अगर इनके बारे में हम बात करें तो रेगुलर वैक्सीन्स तो ठीक है नॉर्मल वैक्सीन्स है जिनको आप जब लगाते हैं आपने हमेशा सुना होगा बच्चे को बुखार आएगा, बच्चे को थोड़ी इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, ये हो सकते हैं सारे सिम्टम्स, ये डॉक्टर आपको बताता है। दूसरे पेनलेस वैक्सीन्स जो हैं उसमें नाम पेनलेस है बट ये टोटल ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें बच्चे को पेन नहीं होगा, उसमें बच्चे को फीवर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बट ये सब सिम्टम्स क्या होते हैं बहुत कम होते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है बच्चे की बॉडी पे। तो जो पेनलेस वैक्सीन है वो भी आप ले सकते हैं, बट उसमें क्या है पेनलेस वैक्सीन्स और पेन वैक्सीन्स में एक डिफरेंस और है कि पेनलेस वैक्सीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होते हैं, मतलब आपने बच्चे को अगर 2 टीके लगाने हैं तो 2 की जगह वो कॉम्बिनेशन में होगा तो आप 1 टीके से आपका काम चल जाएगा और उसमें फीवर वगैरह आने के चांसेस थोड़े से
कम होते हैं। बाकी जो पेनलेस वैक्सीन है, अगर उसमें मेन चीज़ हम पेन और पेन वाले रेगुलर और पेनलेस वैक्सीन में देखें तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिफरेंस कॉस्ट का। जो पेनलेस वैक्सीन है वो महंगे हैं और पेन वाले वैक्सीन जो हैं वो सस्ते हैं। तो आप कोई भी वैक्सीन अपने बच्चे को लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आज का वैक्सीनेशन या टीकाकरण से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।